चलो आज हम बात करते हैं फ्लैशबैक अरेस्टर के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये हमारे फ्लैशबैक अरेस्टर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लैशबैक अरेस्टर का जो दूसरा नाम शॉर्ट में हम बोलते हैं नॉन रिटर्निंग बॉम्ब, जिसको हम बोलते हैं NRB, दोनों का यूज़ हम LPG एंड ऑक्सीजन सिलेंडर पर यूज़ करते हैं। जब भी आपके साइड पे कटिंग का काम हो रहा होगा तो आपने देखा होगा कटिंग टॉर्च पे एक दो फ्लैशबैक अरेस्टर होते हैं, एक LPG एंड एक ऑक्सीजन के होस पाइप मतलब रेगुलेटर पे लगा होता है। इसका यूज़ जैसा कि आप जानते हो कि फ्लैशबैक अरेस्टर मतलब फ्लैशबैक जो होता है उसको रोकने के लिए होता है। अब बात आती है कि इसमें हमें फिजिकली क्या चेक करना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप चेक कर रहे हो तो इसमें आपको देखना होगा कि आप देख सकते हो ये टोटली एक साइड से क्लोज है, मतलब ये बंद है। आप इधर से फूंक मारोगे तो हवा पास नहीं होगी, इधर से फूंक मारोगे तो हवा पास होगी, मतलब ओनली वन साइड ये काम करेगा। अगर दोनों साइड से हवा पास कर रही है इसका मतलब ये फ्लैशबैक अरेस्टर खराब है। आप देख सकते हो सेम कंडीशन होगी अप्लाई यहाँ पर। आप इस पे एयर ब्लो करोगे तो यहाँ से हवा पास नहीं होगी, एंड इसके अपोजिट से करोगे तो एयर पास होगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो समझ लो कि ये फ्लैशबैक अरेस्टर ओके कंडीशन है। अगर बोथ साइड से एयर पास हो रही है तो मतलब फ्लैशबैक अरेस्टर खराब है, आपको इसको रिप्लेस करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको फ्लैशबैक अरेस्टर के रिगार्डिंग जरूर समझ में आया। आज के लिए थैंक यू।